हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा मैथमे तो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है इसमें रियल कॉम्प्लेक्स मॉडर्न न्यूमेरिकल एंड कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सब पे और भी बहुत सारे टॉपिक है जिनपे मैंने अपलोड कर रखे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आईटे पे जाकर देख सकते हैं इसमें आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ लीनियर द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कैसे हम सॉल्व करते हैं

उसको हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम पता कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में में है है फिर मान लीजिए अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई ध्यान दीजिए अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स है मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो यार यहाँ पे वाई एक बार आ रहा है दो बार एक्स की टर्म आ रही मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये वाई लीनियर होगी राइट अगर हम बात करें हमारे पास ऐसा आ जाता है जिससे डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब मान लीजिए तो यार ये ये क्या हो गया 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 भी भी दो बार आ गया और एक्स भी दो बार बार आ आ और मतलब ये वाई में लीनियर तो नहीं है राइट मतलब इसको हम दूसरा करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा रिज्यूबल टू लीनियर राइट विल डिस्कस इन लाइक माई अपकमिंग क्लास है ना बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमें पता करना है कि लीनियर एक्स में है या वाई में है तो आपको यहां से पता पड़ेगा कि अगर वाई एक बार आ रहा है और दो बार एक्स किटमारी तो वाई में लीनियर होगा राइट अब यहां पे जो पी और क्यू होते हैं, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या फिर constant होंगे राइट हमें जब भी इस टाइप की equation को सोल्व करना था, हमें इसका इस तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की इंटीग्रेशन ऑफ dx, राइट इसका जो आंसर होता है वो होता है अगर वाई में लीनियर है, तो वाई डॉट आई एफ अगर एक्स में ली है, तो एक्स डॉट आई एफ अगर टी में राइट एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट आई एफ डॉट डी एक्स प्लस का सी ये इसका हमारे पास मैथड होता है

इस x प्लस वन का होल स्क् x प्लस वन डिवाइड होगा तो हमारे पास सिर्फ x प्लस वन बचेगा इस पे जो p होगा होगा हमारे पास हो माइनस का वन अपॉन x प्लस वन एंड q होगा हमारे पास यहाँ पे प्लस right. e की पावर थ्री एक्स क्लियर क्या करेंगे अरे भैया होगा ना y के रेस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता है क्लियर तो ध्यान देने की जरूरत है इसव यहाँ पे आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ई की पावर माइनस लॉग वन प्लस एक्स इस माइनस ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर लॉग मैं इसको लिख सकता हूं वन प्लस एक्स की पावर माइनस क्योंकि माइनस पावर में चला जाता है ई से लॉग कैंसिल तो यार ये हमारे पास आएगा वन प्लस एक्स का इनवर्स या फिर हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस एक्सन ये इसका क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा राइट अब हम जानते हैं इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास वाई डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ डॉट डॉट डी एक्स प्लस का सीन मैथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह ये यूज़ में आने वाला आने वाले हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर क्योंकि जब डिफरेंशियल क्यू हाँ तो हमारे, हमारे पास क्या आएगा ई e की पावर थ्री एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स प्लस का सी क्योंकि हमारे पास क्यू है इसको मैंने लिख दिया यहां पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस का सी आएगा इसमें वन प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप राइट है ना तो यार जब वन प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर आएगा तो यार इस तरह से इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इीजिली सॉल्व कर सकते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे है। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट देख के कंफ्यूज होता है सर कौन सा मैथड से, से करें अरे भैया वाई एक बार आ रहा है मतलब ये वाई में लीनियर है और हमें इसको वाई में लीनियर करके सॉल्व करना राइट इसका मतलब यहाँ पे एक्स कॉस एक्स है उसको हम डिवाइड करेंगे और जब भी y में लीनियर होगा तो dy बाई डी एक्स

ठीक है ना और क्यू है क्यू हमारे पास ये तो क्या करता हूँ इस कॉस ऊपर जाएगा तो मैं इसको लिख देता हूँ सेक एक्स और अपॉन एक्स इस ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा अरे भाई कॉस ऊपर गया ना तो सेक और ये हमारे पास क्यू होता है क्लियर है इसव यहाँ पे क्या होगा पी को हम थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देस एक्स कैंसिल हो गया ये आएगा हमारे पास टेन एक्स प्लस वन बाय एक्स सुनिए हमारे पास पी हो जाएगा क्लियर है इसमें हम एंटीगेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स तो यह आएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा हमारे पास टेन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स इसे इंटीग्रेशन टेन का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग सेक एक्स होता है ठीक है ना एंड ये आएगा हमारे पास लॉग एक्स इसमें लॉग ए प्लस लॉग भी हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें ई e की पावर लॉग एक्स सेक एक्स हो जाएगा राइट और ई e से लॉग कैंसिल करेंगे तो इसमें यहाँ पर हमारे पास आएगा

Sec x, इस आएगा सेक स्क्वायर एक्स है ना और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है टेन एक्स होता है तो ये आएगा एक्स सेक एक्स और ये आएगा हमारे पास टेन एक्स प्लस का सीन इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो इस आप आराम से इस टाइप से मैथड से सॉल्व कर सकते हैं अब बात करेंगे जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन x में लीनियर होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे तो सुन जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन x में लीनियर है तो आपको पता कैसे पड़ेगा तो यार यहाँ पे जो p और q होंगे ये फंक्शन ऑफ y होंगे और एक्स एक ही बार आ रहा होगा डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म में हमारे पास सेट हो रही होगी तो का जो इंटीग्रेटिंग e फैक्टर होता है वो ई की पी पर फंक्शन ऑफ एक्स है, X, है ना, अभी इसलिए एक्स डोटाइ एफ डॉट आईव डॉट डी वाई प्लस सी ये हमारे पास क्या होगा इसका मैथड होता है इसको सॉल्व करते हैं इसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उससे आपको समझ आएगा जैसे कंफ्यूज होता है और कौन सा मैथ एक बार आ रहा समझ बार हो तो डी एक्स बाई डी वाई चाहिए मतलब इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे अब हमें डी एक्स बाई डी उसको उल्टा करके उधर लेके जाओ तो यारी एक्स बाई डी ये समझने की जरूरत है अब हमारे पास येगा डाय डी वाई चूंकि हमारे पास फॉर्म क्या होती है समझने की जरूरत है यहां पे डी एक्स बाय डी वाई आ रहा है है ना तो यार यहां पे हमारे पास आता है पी एक्स इज इक्वल टू क्यू तो एक्स की टर्म इसके साथ आएगी मतलब ये जो एक्स है स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि मैं ये इसको उधर ले या इसको देख तो को उधर लेके जाना राइट ये आएगा हमारे पास टू वाई क्यू क्लियर है है ना अब इस वाई से डिवाइड कर दीजिए जब इसको वाई से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा यार माइनस का स्क्वायर राइट right? हम जानते हैं यार हमारे पास जो पी की वैल्यू होगी माइनस वन अपॉइंट वाई होगी और क्यू की वैल्यू हमारे पास ये होगी टू आई स्क्वायर राइट अब बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में तो हम जानते हैं इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है सुन इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई राइट हमारे पास पी डी वाई हो जाएगा e की पावर माइन हमारे पास c माइनस बार आ जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई इस यहाँ पे आएगा हमारे पास e की पावर माइनस लॉग वाई इस माइनस ऊपर चला जाएगा तो लॉग y इनवर्स इस ई e से लॉग कैंसिल करेंगे तो y इनवर्स आएगा मतलब वन अपॉन वाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा राइट इस हम जानते हैं यार ये x में लीनियर है तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स डॉट आई एफ इज इक्वल टू तो आई एफ डॉट सुनिए आप डी वाई आएगा ध्यान देने की जरूरत है ना क्योंकि आई एफ हमारे पास वन अपॉन वाई है और हमारे पास जो क्यू है वो टू वाई स्क्वायर तो सुनिए आएगा हमारे पास टू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस का सी, सुन आप देख रहे हो वाई सवाई कैंसिल हो जाएगा तो यह आएगा हमारे पास वाई सुन एक वाई सवाई कैंसिल हुआ तो ये टू वाई आएगा पे टू बाहर ले लेते हैं ई डी वाई प्लस का सी इसमें यह आएगा हमारे पास एक्स बाय वाई इसका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू टू से टू कैंसिल है ना प्लस सी हो जाएगा इस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास वाई क्यू प्लस सी वाई इस द आंसर इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी को हम समझ सकते हैं अब ये बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन को देख ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देख के भी बच्चा कंफ्यूज होता है सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया एक्स एक बार आना दो बार वाई का फंक्शन है 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 मतलब ये में में लीनियर लीनियर राइट अब में यहाँ पे वाई बाई दे आपको डी एक्स बाई डी वाई लेके आना राइट तो आपके अगर उसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ घुमा के राइट या डी एक् डी इसको मल्टीप्लाई कर दो राइट जब डी एक्स बाई डी वाइस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यार हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आएगा हमारे पास डीएक्स बाई डी वाई प्लस एक्स ई की पावर माइनस का टेन इनवर्स वाई हो जाएगा सुन वन प्लस को डिवाइड कर दीजिए आप जब वन प्लस को डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का टेन इनवर्स वाई अप ऑन वन प्लस वाई स्क्वायर होगा इसने हमारे पास पी की वैल्यू आएगी वन अपऑन वन प्लस वाई स्क्वायर एंड क्यू की वैल्यू आएगी ई की पावर माइनस का टेन इनवर्स वर्स वाई अप ऑन वन प्लस वाई स्क्वायर इसमें हम क्या क्या निकालेंगे इसका इंडिकेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसमें इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होता है यार हम जानते हैं ई आता है ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई बिकॉज हमारे पास यहाँ पे पी वी वाई का फंक्शन है और ये एक्स में लीनियर है तो पी डी वाई इससे पहले हमारे पास जब वाई में लीनियर था तो पी डी एक्स का ये ध्यान देने की जरूरत है क्लियर है इसमें यह आएगा हमारे पास ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू हमारे पास वन प्लस वाई स्क्वायर है ना डी वाई इसमें इसका इंटीग्रेशन आएगा टेन इन वाई है ना इसमें हम जानते हैं चूंकि हमारे पास ये एक्स में लीनियर है तो ये आएगा एक्स डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डॉट डी वाई प्लस का सी आएगा इसमें एक्स ई e की पावर ये आएगा हमारे पास टेन इनवर्स वाइज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या ई e की पावर टेन इनवर्स वाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू क्यू हमारे पास ये रह गया है ना तो क्यू हमारे पास ये रह गया येगाक्वायर डी वाई प्लस का सुन ई e की पावर प्लस टेन इनवर्स वाई की पावर माइनस e तो टेन आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे एक्स ई e की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस का सी इसमें आएगा एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई सो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास टेन इनवर्स वाई प्लस का सी स्वीन इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहां पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो ये कॉन्सेप्ट है एक्स एंड वाई में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने का आगे देखिए इस स्टूडेंट आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है और ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है आपको ये पता लगाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में लीनियर है एक्स में लीनियर है या वाई में लीनियर है और अगर वाई में या एक्स में जिसमें भी लीनियर है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना प्लस इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है ये भी मुझे बताइए और स्टूडेंट कैसा लग रहा है आपको मेरा कंटेंट जो कि मैं काफी चेंज करके लेके आया हूं और काफी नया है सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए सुन मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट लिस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि मैंने पहले डाल रखी थी और सुन मेरी लेटेस्ट जो प्ले है जिसमें मैं नए नए वीडियो डाल रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन सुन यहाँ वो यहाँ पे जाकर देख सकते हैं आप और सुन मेरी जो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है जो कि नए चैनल पर डाल रहा हूं काफी हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पे जाके देख सकते हैं इस सुन मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब यहां पे जाके कर सकते हैं और यहां पे जाके आप मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच वाचिंग मी लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसका जो कमेंट है इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा धन्यवाद